दोस्तों फाइनली आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हमने हमारे YouTube चैनल केबी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस पर 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर लिया है और कुछ ही टाइम में हमारा YouTube चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा और ये सब आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार मैंने अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट किया है और इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे कितना टाइम लगा और क्या क्या करना पड़ा। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जब भी आप कोई भी YouTube चैनल बनाते हैं क्रिएट करते हैं तब आपके पास एक टारगेट आ जाता है कि आपको 1 साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पब्लिक वॉच टाइम होना चाहिए। जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है तब आपका YouTube चैनल मोनेटाइज होता है और उसके बाद आप YouTube चैनल से अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए काफी टाइम लग गया है, करीब 1 साल हो गया है तब जाके मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। इतना टाइम मुझे क्यों लगा इसकी भी मेरे पास वजह है। एक तो वजह ये है कि मैं YouTube पर कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहा था, जो मेरा डेली रूटीन होना चाहिए था वीडियो डालने का वो मैं फॉलो नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब भी करता हूँ, तो करीब 10 घंटे तो मेरे को वहीं पर हो जाते थे जॉब पर। उसके बाद जो टाइम बचता था उसके घर के काम भी होते थे और फिर मेरी बेटी भी है तो उसकी वजह से मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाता था, एडिट नहीं कर पाता था, काम नहीं कर पाता था, इस वजह से भी काफी टाइम लगता था। और जो वॉइस ओवर करनी होती थी वो मैं अपने घर पर नहीं कर पाता था क्योंकि वहां पर जगह भी कम है और वहां पर थोड़ा शोर भी ज्यादा होता है, जिससे वो शोर ज्यादा आता है वॉइस में, तो मैं घर पर कभी भी वॉइस ओवर नहीं कर पाता था। तो इसके लिए मैं क्या करता था कि ऑफिस मुझे 7 बजे जाना होता था और जो मेरा स्टाफ वहां का जो स्टाफ होता था वो 8 बजे आता था, तो 1 घंटा मुझे को वहां मिलता था, जिससे क्या होता था कि आधे घंटे में तो मुझे वहीं के काम करने होते थे, जो सोलर प्लांट है वहां की रेटिंग वगैरह नोट करनी होती थी, चढ़ानी होती थी, उसके बाद मेरे को आधा घंटा मिल जाता था, उसमें मैं वॉइस ओवर करने की कोशिश करता था। तो एक दिन में मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पाता था करीब, मुझे फिर उसके बाद दूसरे दिन वहां से शुरू करनी पड़ती थी, पता चले कि 2 दिन भी नहीं कर पाया, तीसरे दिन मैं वॉइस ओवर कर पाया और जो वीडियो शूट करता था मैं वो कहीं पर भी कर लेता था, घर पर भी कर लेता था, लेकिन उसके लिए भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। जो बेटी है वो भी परेशान करती थी, जब वो सो जाती थी उसके बाद मैं रात में ही वीडियो को शूट करता था, जो आपने देखी होगी वीडियो शूट करता हूँ, तो उसमें मुझे काफी दिक्कत होती थी। तो मुझे जब बेटी सो जाती थी तो रात के पता चला 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, उतने टाइम पर उठ के मैं उस वीडियो को शूट करता था। और जब मैं प्रैक्टिकल वीडियो को शूट करता था तब मुझे सेटअप को करना पड़ता था और वो सेटअप मैं परमानेंटली करके नहीं रख सकता था क्योंकि मुझे डर लगता था कहीं बेटी को करंट वगैरह ना लग जाए, तो जब भी मैं वीडियो शूट करता था तभी मुझे सेटअप करना पड़ता था और उस सेटअप करने के लिए काफी टाइम लगता था। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरे गांव वाला जो घर है वहां पर कोई नहीं रहता था, खाली रहता था, तब मैंने क्या किया कि जैसे ही मेरे ऑफिस से छुट्टी होती है वहां से मैं सीधा गाँव आ जाता हूँ और गाँव में मैं अपनी वीडियो को शूट करता हूँ, बनाता हूँ, वॉइस ओवर करता हूँ। अब यहाँ पर ही मैं शूट कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं ये मेरा गांव वाला घर ही है और यहाँ पर मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी आप सेटअप देखेंगे तो कोई परमानेंट सेटअप नहीं है, ऐसे ही सेटअप कर रखा है और मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और ना तो मैंने कोई भी इक्विपमेंट लिया है, सिर्फ मेरे पास एक मोबाइल है और एक मेरे पास माइक है, इन दोनों की सहायता से ही मैं वीडियो को शूट करता हूँ। आप ना तो मैंने ट्राइपॉड लिया है, मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से मैंने लकड़ी के ट्राइपॉड को बना के मैं वीडियो को शूट करता हूँ। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी और जैसे ही मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाएगा उसके बाद मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के लाऊंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये मैंने कंप्लीट किया है। इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि जब मैं गांव से आता हूँ, ऑफिस जाता हूँ या गांव आता हूँ तो साइकिल से आता हूँ, करीब 12 किलोमीटर पड़ता है, तो मैं सुबह जल्दी उठ के वहां से मैं 5 बजे इधर से निकलता हूँ, तब 6 बजे वहां दूसरे घर पर पहुंचता हूँ, वहां पर नहा धो के 7 बजे वापस जा पाता हूँ, पर जैसे ही वहां से छुट्टी होती है तब मुझे 1 घंटा लग जाता है यहाँ तक आने में। तो देखिए दोस्तों जब मैं प्रैक्टिकल वीडियो को शूट करता हूँ तो इस प्रकार से मैं सेटअप कर लेता हूँ, फिर उसको हटा देता हूँ, तो इसको लगाने में भी बहुत टाइम लगता है। और जो अभी मैं आपको वीडियो शूट कर रहा हूँ तो वो इस प्रकार से सेट कर रहा हूँ गाँव वाले घर पर, यहाँ पर ड्रम के ऊपर मैंने लकड़ी से ट्राइपॉड बनाया हुआ है और उस ट्राइपॉड पर मैं मोबाइल रखकर अपना जो सामने दीवार है उसके पास खड़ा होकर वीडियो को शूट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो मोबाइल है वो आसानी से रख जाता है और वो मोबाइल है वो एक जगह फिक्स रहता है और मैं वीडियो को आसानी से शूट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर सामने जो कलरफुल
दीवार है, यहाँ पर मैं खड़ा हो जाता हूँ और शूट करता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में नोटिफिकेशन को बेल को भी ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको हमारी हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए।